हेलो गाइज, आई एम नरेश प्रजापति और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल VIP एकेडमी की। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि आपके सामने ऐसे बहुत सारे रियलिटी के बेस पर वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूं आपके लिए। सो आर यू रेडी गाइज? फैंटास्टिक, सो लेट्स कंटिन्यू। दोस्तों, आइए मैं आपको एक ऐसी कहानी आपको यहाँ सुनाने जा रहा हूँ जो मेरी रियल लाइफ की कहानी है। दोस्तों, इन द ईयर 2006 में मैं एक ऐसी जगह घूमने गया था, और वो जगह का नाम बताओ उससे पहले कुछ GK जनरल नॉलेज का सवाल करना चाहूँगा। तो दोस्तों, हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, उनमें से ऐसा कौन सा स्टेट राज्य है जहाँ हिल स्टेशन भी है और रेगिस्तान मतलब डेजर्ट रण भी है? सोचो जरा कौन सा है। तो ऐसे दो स्टेट है, एक गुजरात है, और हाँ, गुजरात से मैं बिलोंग करता हूँ। तो गुजरात में कच्छ का रण है और सापूतारा नाम का एक हिल स्टेशन है, और दूसरा हमारे जो बगल में हमारी पड़ोस में है राजस्थान, राजा का स्थान। राजस्थान में हिल स्टेशन कौन सा है? माउंट आबू, और वहाँ एक रण है जिसका नाम है थार, और थार जो डेजर्ट है उसके अंदर एक सिटी है जिसका नाम जैसलमेर, और उस पर एक मूवी भी बना है, नन है जैसलमेर, बॉबी देओल का, वो शायद आपने देखा होगा। तो दोस्तों, इन द ईयर 2006 मैं मेरी फैमिली के साथ वहाँ घूमने गया था, और वो एक डेजर्टेड एरिया है, रेगिस्तान है। तो रेगिस्तान में आपको पता ही होगा कि वहाँ ट्रीज़ बहुत कम या तो नहीं होते, पानी बहुत शॉर्टेज होता है पानी का, और ऐसे एरिया में हम घूमने गए थे दोस्तों, ऐसे सिटी में जैसलमेर में। तो वहाँ शाम का वक्त था, मैं फ्री था, तो मैंने सोचा चलो नज़दीक के मार्केट में जाके आता हूँ। तो नज़दीक के मार्केट में गया दोस्तों, और वहाँ एक चाय वाला चाय बना रहा था, छोटा सा एक स्टॉल था, वहाँ मैं गया। और उस दिनों में दोस्तों, चाय है वो 2 रुपये में मिलती थी, मतलब 2 रुपये में एक कटिंग चाय मिलती थी। तो मैंने सोचा कि शाम का वक्त है, चलो थोड़ा चाय का चुस्की लेते हैं। वैसे बहुत गर्म एटमोसफियर था, फिर भी मैं गया और वो चाय वाले को बोला कि भैया मुझे एक कटिंग चाय दीजिए। तो उन्होंने मेरे लिए एक कटिंग चाय दी। दोस्तों, वो चाय मैंने ली और चाय में मज़ा नहीं आया, तो मैंने क्या किया, वो भाई चाय बनाने में लगे थे तो मैंने वो चाय बाजू के एक थोड़ा डस्टबिन था उसमें डाल दिया, और फिर से मैंने ऑर्डर दिया। तो मैंने कहा भाई चाय बनाइए, फिर से मुझे पीना है। तो उन्होंने फिर से मुझे चाय दिया, इस बार मैंने टेस्ट किया तो चाय में मज़ा नहीं आया, तो फिर से मैंने वो चाय है वो डस्टबिन में डाला। और दोस्तों, तीसरी बार मैं ऑर्डर दूँ उससे पहले वो भाई को जो चाय बना रहे थे ना, उनको मैंने सवाल किया, उनको बताया कि भैया कैसी चाय बनाइए, चाय में मज़ा ही नहीं आता। तो दोस्तों, वो व्यक्ति ने मेरे सामने देखकर दो ऐसे वाक्य बोले, इतने पावरफुल वाक्य बोले दोस्तों, कि अगर मैं आपको वो वाक्य सुनाऊँ ना, तो आपको वो कभी TV में देखा होगा ना, टाटा स्काई, कि इसको लगा डाला तो लाइफ हो गई झिंगा लाला। तो ऐसा ही कुछ लाइफ में झिंगा लाला, मतलब हमेशा कैसे हम मज़े में रह सके, उसके बारे में मैं यहाँ शेयर करने जा रहा हूँ दोस्तों। वो व्यक्ति जो शायद 2-3 दिन से नहाया नहीं होगा, वो व्यक्ति ने ऐसी दो लाइन ऐसी मुझे बताई दोस्तों, एंड यस, वो दो लाइन मैं आपके साथ शेयर करूँ। उससे पहले एक और चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ, वो ये है दोस्तों कि आई हैव कम्प्लीटेड एन MBA, मैंने MBA कम्प्लीट किया है, और 2 साल के MBA में से जो मैंने नहीं सीखा ना, वो लेसन वो चाय बनाने वाले ने 2 सेकंड में, मैं कहूँ 2 लाइन बोल के सिखाया। तो क्या आप जानना चाहेंगे उसने ऐसा क्या बोला दोस्तों जो MBA से बढ़कर था दोस्तों? आर यू रेडी फॉर डैट? फैंटास्टिक। सो दोस्तों, उसने ये कहा मेरे सामने देखकर, वो व्यक्ति बोलता है, कब बोलता है, जब मैंने कहा कि भैया चाय कैसा बनाया है, चाय में मज़ा ही नहीं आता, तब वो मेरी आंखों के सामने देखकर बोलता है कि साहब मजो आतो नहीं, मजो लेनो पड़तो है। मैं रिपीट करता हूँ, साहब मजो आतो नहीं, मजो लेनो पड़तो है। और दोस्तों, ये दो लाइन है ना, मैंने उसी वक्त लिख दी, इतनी पावरफुल लाइन है दोस्तों। हमारी ज़िंदगी में जब भी मज़ा नहीं आता, तो ये दो लाइन हमें याद रखनी है कि मज़ो आतो नहीं, मतलब मज़ा आती नहीं है, मज़ा लेनी पड़ती है। जैसे आप खाना बैठे हैं दोस्तों, और अचानक आपको मतलब पता चला कि इसमें नमक थोड़ा कम है, ज़्यादा है, या कुछ भी है, तो आपको ये वाक्य बोलना है, क्या बोलना है, कि मज़ो आतो नहीं, मज़ो लेनो पड़तो है।
उसी तरह अगर बिजनेस में है या कोई भी फील्ड में है, जैसे स्टडी में है और मैथ्स आपको हार्ड लगता है, तो वही वाक्य बोलना है कि मैथ्स पढ़ने में मजो आतो नहीं, मजो लेनो पड़ते दोस्तों। तो ये वाक्य अगर आप बोलोगे और आप अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली वही होगा कि इसको समझ डाला तो लाइफ हो गई झिंगा लाला। तो इस तरह बहुत सारे वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मेरे रियल लाइफ के या ऐसे भी वीडियोस होंगे जो कहीं से मैंने देखे हैं, और अगर उसके अंदर जो बेस्ट चीज़ें हैं, कोई बुक है उसमें से कोई बेस्ट एग्जांपल है, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अगेन मैं कहता हूं, ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए अगर बाकी है तो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, मजो आतो नहीं, मजो लेनो पड़तो है, तो मज़ा ज़रूर लीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि जो लोग शेयर करते हैं वो दूसरों की केयर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।